गाइस, ये है अपने उत्तराखंड का वाद्य यंत्र हुड़का और इसमें अपने उत्तराखंड के लोक गीतों का अभ्यास करते हुए चरवाहे। तो ये रहा डांगो बुग्याल, जिसको मैं कहता हूँ स्वर्ग। और इस बुग्याल में आने के लिए कैसे खतरनाक रास्तों का सामना करके आना होता है और यहाँ पहुँचने के बाद जो सुकून मिलता है वो अनुभव आपके सामने। चलिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं अर्जुन खलबटिया ब्लॉग्स और स्वागत है आपका स्वर्ग में। इस वक्त हम हैं बैसा बुग्याल और यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये यहाँ के प्रसिद्ध पीक है, जैसे कि नंदा घाट, नंदा गुमटी, त्रिशूल और पंचेल पर्वत। आज हमारा प्लान है डांगो बुग्याल के लिए, तो ये स्वर्ग का पहला पड़ाव है। बाकी हम निकलते हैं आगे और देखते हैं आज के ब्लॉग में होता क्या क्या है। धरती का स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है। तो स्टार्ट करेंगे हम आज ब्लॉग की चाचरी के साथ। चाचरी के साथ चलो गाना गाते हैं भगवती के नाम पर। ओ हो खोले दे माता खोले भवानी द्वार मैं केवल, ओ हो शावर रूपाया बेट चढ़ो तो कल हम पहुंच गए थे इस बुग्याल में और बारिश कितनी हुई कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। और आज हमारा प्लान है स्वर्ग में जाने के लिए, तो ये स्वर्ग का पहला पड़ाव है भैंसिया बुग्याल। गुड मॉर्निंग यंगस्टर। तो इतने सारे बंदे हम कल इस बुग्याल में रहे थे। हाँ, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं फिर लंच के लिए आगे डांगो स्वर्ग में। इस स्टॉप में पहुंचते लगभग यहाँ से 3 घंटे तो लगेंगे भाई, 3 घंटे प्रॉपर चाहिए होते हैं। बाकी तारादा सहृदय धन्यवाद जिनके साथ रुके, खाया पिया एंजॉय किया। ओहो, ये बुबू जी ने इस गाने को खुद लिखा है, खुद कंपोज किया है। वो क्या बात है, स्टूडियो में गाएंगे, गाएंगे जल्द प्लान हो रहा उनका। ऊंचा गाना बर्म कमल फूल तुम पड़ोला बगनिया पानी तू गढ़े में कूला, वो मेरी धन कुरुली तू किलारी जोरदार। यहाँ पर लक्की को आप देख सकते हैं चाय बनाने में मस्त है, फिर जल्दी से खाने की तैयारी भी करनी है और निकलना भी है। तो आंटी जी बकरी का दूध निकालने लग गए हैं। लक्की की शादी लाहौर से होने वाली है आपके गांव से ना? हाँ। है लक्की, है लक्की, लक्की शर्मा गया, लक्की शर्मा गया। हुड़के की था झोड़ा चाचरी दरिया भैंसिया बुग्याल बुग्याल धन्यवाद। अम्मा जी ब्लॉग बना रहे हैं, देख सकते हैं आप। मौसम भी चेंज हो गया अचानक से, देख सकते हैं मॉर्निंग में कितना प्यारा था मौसम, फिर से भाई बादल लगने लग गए हैं। तो सब लोग तैयार हैं, बस खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी में। फाइनली गाइस खाना तैयार है और जल्दी से भाई थाली को खाली करते हैं और निकलते हैं। ये स्वर्ग का खाना है। बुग्यालों में खाने के मजे ही कुछ अलग हैं। ऊपर से यार दोस्तों के साथ, अब मौसम भी धीरे धीरे फिर से खुलने लग गया है।
बगल में भेड़ पालक बुबू जी का आज खूब गाने का मन कर रहा है, तो चलो कुछ और कर लेते हैं यहाँ पे। दो लाइन हिंदी गाने के। तो नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने की नारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मधुर वाली आंखों का, इस मस्ती में डूबे है क्या कर डालूं हाल मोहे सवार। ओ साथिया ओ बेलिया। तो इतने रंगीले लोग हैं देख सकते हैं। चलो ओ मेरी धान कुरुली तू की लारी सारे, जान बखत मैं के हंसा हंसा गे। ओ मेरी धान कुरुली तू की लारी सारे, जान बखत मैं के दुआ सुबहला दे। ओ मेरी धान कुरुली पंज चूली हिमालय पार्वती को माता, तू बनली ढाल मेरी मैं तेरी तलवार। ओ मेरी धान कुरुली तू की लेरी शाह, जान बकाद मैं दुया सुबहला दे। हो जब अली दगाड़ा मेरो पहाड़ा, घूमली मेर जिला बागेश्वर। बागेश्वर भाई हो घूमली मेर जिला बागेश्वर। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही सांझ डले ओ शाम डले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ये उम्र है बचपन की, दिल है बचपन का, ये पहाड़ ये हरियाली को देख के, नंदा देवी को देख के, पंचचूली को देख के हमारा दिल बहलता है। क्या बात है, बहुत कम आज मिले हैं, इसका मतलब हवा निक रहा था। जागा पैर ले जागा पैर ले जी मामा।
पहाड़ों के लिए दुनिया तरसती है, हमारा सौभाग्य है जो हम इन पहाड़ों में हम माँ बाप ने हमको जन्म दिया है। देव भूमि उत्तराखंड है, देवताओं का स्थान है, हम जो है देवताओं के चरणों के धूल हैं, फिर भी हम कमल जैसे फूल हैं। क्या बात है, धन्यवाद। ये कितने खुश मिजाज लोग हैं और इनके चेहरे में चिंता तो कहीं पे दिखाई नहीं देती है। तो अभी हमारा प्लान हो गया फिर से डांगो बुग्याल के लिए, जो बुग्याल स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, और स्वर्ग में हम इतने लोग साथ में जा रहे हैं। जाते जाते इन रास्तों में हरे लाल पीले नीले फूल खिले हुए हैं। ये सामने का इतना खूबसूरत नजारा आपको कैसा लग रहा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फोटो खींचने के जो इच्छुक हैं भाई, हम हर जगह को यादें बनाते हुए जा रहे हैं। क्या बात, और ये देख सकते हैं दो दो फोटोग्राफर। अभी हम पहुंच रहे हैं दरेली बुग्याल में। गाइस देख सकते हैं, अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, सामने है मंजिल। ये टॉप है डांगो टॉप, और इसी को बोलते हैं हम स्वर्ग। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। रास्ते में पानी प्यास लगती है तो ऐसे धारों में पीना होता है। माँ धारी देवी मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ पर हम माता जी का आशीर्वाद लेते हुए चलते हैं। ये जो मंदिर है ये दो गांव के सीमा पर स्थित है। जिस जगह से हम आ रहे हैं ये मेरे गांव का हिस्सा, और पीछे से गोगिना केमू का हिस्सा। तो बॉर्डर पे माँ धारी देवी का आशीर्वाद लेके सबको हमने मिष्ठान कराया और आगे की यात्रा के लिए भरने लगे। बोलो माँ धारी देवी की जय। बोलो माँ धारी देवी की जय। ये सामने भोजपत्र का पेड़ है, और पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वो रामायण इसी में लिखा करते थे। यही है वो भोजपत्र, इनमें लिखा करते थे रामायण। पानी का गैलन हाथ में लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ऊपर जितने हाइट में चल रहे हैं ना पानी की मात्रा कम होती है। खाना बनाना है तो पानी का जो गैलन है उसको कैरी करके ले जा रहे हैं। स्वर्ग की सीढ़ियों में जैसे चढ़ने लगे थे सामने के नजारे और खूबसूरत होते जा रहे थे। मिंडहांगुणी उडियार पहुंचे हैं, और यहाँ पे जो लोग इस रूट पे आते हैं तो अपना अपना नाम लिख के जाते हैं कि मैं इस बुग्याल में पहुंचा। तो जितने लोग यहाँ पे आए हैं यहाँ पे अपना नाम लिख के जाते हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है किससे लिखें। सामने इतने लोगों के नाम यहाँ पे देख सकते हैं, और अपना नाम लिखे भी क्यों ना, ये ट्रैक कोई आम ट्रैक नहीं है। यहाँ पे थोड़ा पेट पूजा करेंगे यार, मैगी वैगी जो भी हो बनाएंगे, भूख लग गई है। भैंसिया से चलते हैं, हमें कितना टाइम हो गया, लगभग 2 घंटा हो गया, 2 घंटा करीबन हो गया। मैगी बनेगी स्टॉप में, पहले तो हम पत्थरों से यहाँ पर चूल्हा तैयार करेंगे। कढ़ाई में मैगी तो रख दी है, और सबसे ज्यादा मुश्किल काम रहता है बरसात के दिनों में आग जलाना। ये जो लकड़ियां होती हैं ये सब भीगे रहते हैं। तो जैसे तैसे मैगी तैयार किया और इन खूबसूरत पहाड़ों में मैगी का आनंद लिया। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं जल्द अगले ब्लॉग में। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और साथ ही आगे के सीरीज भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा बने रहना अर्जुन खलपटिया ब्लॉग्स के साथ।